पहला बॉल मॉन्टू लेके आएंगे, मॉन्टू टू अविनाश लॉन्डे, अविनाश लॉन्डे टू मॉन्टू, देखते हैं पहली बॉल पे क्या होता है। सागर ने पहली बॉल पे एक रन, एक बॉल पे मात्र लेकिन मानव ने भी फोर मार के पहली बॉल पे ये साबित किया कि मैं भी अब से सीरीज के रेस में मैं भी हूं। तीसरी बॉल के लिए क्या कॉल है, रोहन वन रन, एक रन दिया है, वेल डिसीजन बाय रोहन, बहुत ही बढ़िया शॉट था यहाँ पे मानव का, जबकि मॉन्टू अपनी टीम के लिए बहुत ही बढ़िया बॉलिंग। और ये कैलकुलेट करके खेलते हैं, स्कोरबोर्ड का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखना है ये बॉल पे मानव क्या कर पाता अपनी टीम के लिए। प्लस वन मिलेगा, स्कोर नौ रन, चार बॉल नौ रन, अविनाश लॉन्डे फेस करेंगे पांचवी बॉल मॉन्टू की। एक वक्त में अविनाश लॉन्डे, अशोक हिरोडे, राहुल जो कंट्री के नाम से बहुत फेमस है, एक टाइम था इतना अच्छा ये लोग खेलते थे, पीछे जब खड़े होते थे तो इनका नाम दीवाल रखा गया था कि कितने भी जोर से तुम माइंड से खेलते हैं, वैसे ही सेम आशिक खुद भी कैलकुलेशन मोड पे जाते हैं जब भी वो मैच खेलते हैं, तभी वो पूरी तरह से मैच में रहते हैं। तो देखना है अभी बाला राइट बॉल हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे, ओरम के बट्टे में हम लोग देखते थे घोटा बट्टे में एक ही नाम है छेदी अंपायर, बहुत ही इंटरेस्ट। और एक बार व्हाइट व्हाइट बॉल बोल रहे हो, जी हाँ, जैसे कि आपने बताया कि ओवर आर्म में घोटिया और अंडर आर्म में हमारे छेदी, जो वाइड बॉल का जो डिसीजन वो दे रहे हैं से उनको आकर्षित कर ले रहे हैं अपने पास में। तीन मिलेगा, एक रन, इतना ही शांत कभी बल्ला रहा नहीं है उनका, तो देखना है कि कितना रोक पाते हैं अशोक की। स्कोर हो गया 15, कोशिश की डायरेक्ट हिट पाले आगा, अंपायर का इशारा नॉट आउट, सीधा नकारा कर दो बॉल 16 रन।
बाला बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पर अपनी टीम के लिए। फिर एक बार आगे आगे खेलने की कोशिश की। डेड बॉल का इशारा अंपायर का। खेला नो बॉल का इशारा अंपायर का। सीधा अशोक के हाथ में बॉल। काफी निराश होते हुए बालिया अपनी बॉलिंग से। बहुत ही अच्छा डिसीजन दिलीप छेदी द्वारा। लेकिन एक चीज मैंने नोटिस किया सैंकी, जो डिसीजन आ गया वो पत्थर की लकीर है। अगर वो नो बॉल है तो अगर आप आके वो कितना भी कन्विंस कर लो हमारे दोनों ही अंपायर को, प्रदीप और छेदी को, वो नो बॉल ही रहेगा। वो उनका डिसीजन चेंज नहीं होगा। बहुत ही बेहतरीन अंपायरिंग यहाँ पे देखने मिल रही है हमें। बहुत रजनीश कम देखने मिलते हैं। हमारे व्यूअर्स हैं जो बढ़ते हैं, बिकॉज दोनों भी बहुत ही इंटरेस्टिंग अंपायर हैं। डिसीजन में एक अलग ही कला है उनके। यहाँ पे 21 लास्ट ऑफ 0 विकेट। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग है यहाँ पे माला। अप हुआ है और बालिया ने पूरी कोशिश किया था ये कैच पकड़ने की, लेकिन कैच हुआ है ड्रॉप। देखना है कैच ड्रॉप है या मैच ड्रॉप है, क्योंकि एक बहुत अच्छे फॉर्म में मानव दिखते हुए एक चीज मैंने नोटिस किया, मानव हर बॉल पे आगे बढ़ के 4 या 6 मारने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक बार एक टीम मीटिंग देखने मिल रही है हमें। अशोक फिर एक छोटी सी मीटिंग हो रही है अशोक की, जितने भी जो 22 रन स्कोर हो गया है 22। और प्लेयर शफल करें प्लीज, दो प्लेयर। और जितने भी जो व्यूअर्स हैं उनको मैं बताना चाहूंगा, एक बहुत ही यंग एज का प्लेयर है अतुल सिंह। बहुत अच्छी फील्डिंग करते हैं। कॉलेज में श्री एल आर तिवारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ाई किया उन्होंने। कंप्यूटर इंजीनियर है, लेकिन जो फील्डिंग वो करते हैं, दीवार बोलते हैं उनको हमेशा गार्डन अपनी टीम के लिए। सागर नेक्स्ट बॉलर, व्हाट अ बॉलिंग बाय बॉलिंग आणि इथे मला वाटतंय नक्कीच सोलेमन चेंडूचे मागे एक धाव होते, एक धाव पूर्ण होते, धाव संख्या 27। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे बैट्समैन सागर जो हुआ है। नो बॉल, बॉल काउंट मात्र विकेट है। थैंक यू डीजे। और जैसे कि अभी जो डीजे ने गाना बजाया वो जन्नत नहीं कोई हूर की, ऐसा कुछ तो गाना था। मेरे कॉलेज की एक लड़की है, जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ सब वो कॉलेज की लड़की को सुन के मोटिवेट हो गए।
देखना है सागर क्या कर पाते, मोटिवेट हुए या मानव ज्यादा मोटिवेट हुए। फिर एक बार मानव द मैन इन फॉर्म, देखना क्या कर पाते हैं। फिर एक बार आगे बढ़ के खेलने की कोशिश थी, सीधा अशोक हिरोडे के हाथ में बॉल गई, मिला एक रन, रन इसी के साथ में वसीम आए स्ट्राइक पे, सागर टू वसीम, वसीम टू सागर। देखते हैं क्या कर पाते हैं वसीम अपनी टीम के लिए। एक बड़ा विकेट गिरा अविनाश लौंडे के रूप में, लेकिन पीछे भी एक बैकअप रखा, बहुत स्ट्रांग बैकअप रखा, रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश थी और एक कैच छूटा है। देखना है कैच है या पाइस है, पाइस का इशारा है अंपायर का, नो बॉल का इशारा है, नो बॉल का इशारा है अंपायर का। यहाँ पे काफी एक्स्ट्रा दे रही है यहाँ पे अशोक हिरोडे की टीम, और बहुत ही निराश, हताश, परेशान अशोक हिरोडे अपनी टीम से। सोलेमन आके अंपायर से कुछ डिस्कशन कर रहे हैं कि वन टू गो, वन टू गो, देखना है क्या कर पाते हैं। ये आखिरी बॉल पे मानव सागर बॉलिंग करेंगे, मानव को आखिरी बॉल, ये ओवर की आखिरी बॉल है, सागर टू मानव, मानव टू सागर। देखना क्या कर पाते हैं मानव, बहुत अच्छा खेल रहे हैं। पहली बॉल से फिर एक बार चढ़के खेलने की कोशिश की, पूरी तरह से बीट हुए और कोई भी गलती नहीं किया यहाँ पे सोलेमन ने, और इसी के साथ एक बड़ा विकेट गिरता हुआ मानव के रूप में। व्यूअर जो मुझे लाइव सुन पा रहे हैं उन्हें मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग देख सकते हैं पूरा जो ग्राउंड है खचाखच, 2000 से 3000 लोग एक ग्राउंड पे मौजूद हैं यहाँ पे, और एक बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट काशी प्रीमियर लीग 2022 और मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द सीरीज साइकिल रखी गई है, और जो हमारे जो मैन ऑफ द सीरीज के जो स्पॉन्सर है वो है राम भवन शर्मा जी, और एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, जितने भी जो यंगस्टर्स हैं उनको भी वो सपोर्ट करते रहते हैं। और ये ट्रॉफी, इतनी बड़ी ट्रॉफी, ये तो मेरी जो हाइट है, मेरी हाइट के आधे की ट्रॉफी है ये, और जो भी जीतेगा वो बहुत ही खुश नसीब होगा, ये ट्रॉफी अपने घर पे लेके जाएगा। देखना ये ट्रॉफी कौन लेके जाएगा, लेकिन जो मेरा जो अनुमान है ये दोनों टीम में से एक टीम तो फाइनल में जा रही है 100% है, बैटिंग टीम या बॉलिंग टीम ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही टीम बहुत अच्छी है। एक तरफ है अशोक हिरोडे, एक तरफ है अविनाश लौंडे। अशोक हिरोडे की टीम में बहुत ही अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, सोलेमन, रुपेश, बाल्या, बाल्या दूसरी ओवर लेके आ रहे हैं। देखना ये ओवर में बाल्या अपनी टीम के लिए क्या कर पाते, और ये बैट्समैन को संजीवनी बॉल कहां से कहां आई, और ये बहुत ही बड़ा विकेट वसीम के रूप में, और बहुत ही ज्यादा खुश अशोक हिरोडे, थैंक यू डीजे। बॉल पीछे से आई, बॉल थाना घूमी, थाना से फिर वापस, फिर कासर वडवली रुकी, वहां से सीधा काशी मीरा में घुसी, और एक बड़ा विकेट मिला यहाँ पे वसीम के रूप में। न्यू बैट्समैन आए, देखना है क्या कर पाते हो अपनी टीम के लिए। बॉल अच्छी थी, बैकफुट से आके लेग में खेलने की कोशिश थी, पूरी तरह से बीट हुए। नीरज बैट्समैन का जो नाम है वो नीरज है, पहली बॉल डॉट हुई, दूसरी बॉल पे एक रन निकाले, इसी के साथ बैटिंग पे आए हैं कुंदन। और जो भी व्यूअर्स, जो भी ऑडियंस है, एक नाम हम नहीं भूल सकते, सचिन महात्री जी का हम नाम नहीं भूल सकते,
उन्होंने जितने भी जो ये जो टी शर्ट जो प्लेयर्स ने पहनी हुई है, सारे टी शर्ट जो स्पॉन्सर जो किया हुआ वो किया हुआ सचिन मात्री जी ने, और जितने भी जो सीजन आते हैं काशी मेरा प्रीमियर लीग के, सब में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता उनका। तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये एक अच्छा इनिशिएटिव लिया सारे यूथ को पकड़ के चलने का। सो थैंक यू सो मच सचिन मात्री जी, ऐसे ही आने वाले टाइम में जो भी इवेंट्स होंगे क्रिकेट के उसमें आप स्पॉन्सरशिप देते रहिए। फिर एक बार चढ़ के खेलने की कोशिश की, पूरी तरह से बीट हुए, हर बॉल आगे बढ़ के खेलोगे पीछे जो है धोनी से कम नहीं है, 0.1 सेकेंड में सीधा वो विकेट गिरा थे। इनको कोई पहचान की जरूरत नहीं है, साहिल बैटिंग कर रहे हैं, पहले आप बॉलिंग करेंगे साहिल को, और जैसे ही साहिल ने बैट पकड़ा वैसे रोशन घारे का यहाँ से एक ऑफर आया हुआ, अगर दो फोर मारा साहिल ने तो उनको 500 रुपए का यहाँ पे इनाम दिया जाएगा रोशन घारे जी की तरफ से। और इसी के साथ ओवर हुआ खत्म, चार ओवर 34, फिर एक बार साहिल आएंगे स्ट्राइक पे। आरजे रजनीश, ये ओवर में दो रन दे के दो विकेट लिया बाल्या ने, अपनी छाप छोड़ के जाएंगे बाल्या। मेरे हिसाब से काशी मेरा प्रीमियर लीग का पहला टूर्नामेंट बाल्या खेल रहे हैं, और बहुत ही अच्छी बॉलिंग किया बाल्या ने अपनी टीम के लिए। और आखिरी ओवर डालने आएंगे खुद कैप्टन अशोक हिरोडे, बैटिंग करेंगे साहिल, और साहिल के ऊपर जैसे साहिल ने बैट पकड़ के अंदर एंट्री लिया, साहिल के ऊपर इनाम रखना चालू हो गए जितने भी जो यहाँ पे जो व्यूअर्स हैं, जैसे रोशन घारी जी ने 500 रुपया और जो भी यहाँ पे जो जैसे रोशन ने बोला कि 500 रुपए का उन्हें इनाम दिया जाएगा अगर दो चौके मारते हैं, जो दो फोर मारते हैं अगर साहिल तो अशोक बॉलिंग करेंगे, रिवर्स खेलने की कोशिश की और ये बॉल सीधा गई यहाँ पे वेस्टर्न पार्क के अंदर, और बड़ी विकेट मिलते हुए बड़ी मछली जाल में फंसती हुई अशोक हिरोडे की। हमारे जो डीजे मैन है ये बहुत ही प्यार करने वाले मुझे लग रहे हैं, अभी इन्होंने गाना बजाया मैंने प्यार तुझी से किया है, अब ये किससे इतना प्यार हो गया हमारे डीजे मैन को पता नहीं, लेकिन मैं ये दुआ करूंगा कि कोई अच्छा मिले डीजे मैन को हमारे, जिससे वो ताउम्र खाली प्यार करे। फरहान राइट हैंडेड बैट्समैन, फरहान बैटिंग करना है, आशिक दूसरी बॉल डालेंगे ये ओवर की, पहली बॉल भी कर लिया आशिक ने, एक जोरदार शॉट और संदीप को बॉल दिखी नहीं और बहुत अच्छी अंपायरिंग देख। बाहर से आवाज आई है बराबर है बराबर है और दो, जावेद की आवाज आई है देखना है, फिर एक बार जोरदार शॉट और यहाँ पे रन आउट हो सकते हैं, अंपायर का इशारा देखना है क्या है, और यहाँ पे अंपायर ने थोड़ा भी तीन बॉल 38
अशोक हिरोडे भी बहुत अच्छी ओवर जा रही है और फिर एक रन मिलेगा। 39 हो गया स्कोर। और हमारे जो दूसरे जो कमेंट कर रहे हैं, सैंकी पूरी एनर्जी से भरे हुए दिख रहे हैं यहाँ पे मुझे। देख नो बॉल का इशारा और वाइड बॉल का इशारा, मिलेगा एक रन। मयूर कीर्ति जहां कहीं भी हो यहां स्टेज पे आए, एक बहुत ही बड़े गोलकीपर, एक बहुत ही अच्छे इंसान, अमीषा गार्डन के बहुत ही एक नामचीन इंसान है मयूर कीर्ति। तो मयूर कीर्ति से मेरी बात हुई, बोले जैसे मैं भेल खा के आऊंगा उसके बाद में जो भी काम रहेगा वो मैं करूंगा। तो देखना वो भेल खा के कितनी एनर्जी आती है। मयूर कीर्ति मयूर भाई के नाम से बहुत ही ज्यादा फेमस है। एक बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश और पूरी तरह से यहाँ पे सफलता मिलती, रिवर्स शॉट आया पे चार। एक बार रिवर्स खेलने की कोशिश की, नो बॉल का इशारा, यहाँ पे अंपायर का बहुत ही जोरदार इशारा था और यहाँ पे एक्स्ट्रा के रूप में बहुत ही ओवर थ्रो के रूप में बहुत ही रन यहाँ पे मिलते हुए। नो बॉल का इशारा यहाँ पे दिलीप छेदी हमारे जो अंपायर हैं। एक बॉल रिवर्स आपने खेला, दो बॉल खेला आपने रिवर्स, तीसरी बॉल भी आपने रिवर्स खेला। बाईस का इशारा अंपायर का यहाँ पे। स्कोर हुआ 51। राजू दादा का यहाँ पे गाना लग चुका है, मैं डीजे मैन को बोलना चाहूंगा वॉल्यूम फुल बढ़ा के गाना बजाया जाए। जल्द से जल्द बैट्समैन भेजें अशोक हिरोडे। अशोक हिरोडे की जो डग आउट है उसमें इतनी प्लानिंग हो रही है और ये प्लानिंग के बाद में अगर कुछ आउटपुट नहीं आया तो बहुत ही निराश हो जाएंगे अशोक हिरोडे। मैं बताना चाहूँगा अशोक हिरोडे को, ये हमारे पास में अभी टाइम नहीं है, 51 बनाया है, 52 का टारगेट है पहले दो बैट्समैन, देखना है कौन उतरते हैं यहाँ पे। आणि नक्कीच 30 चेंडू आणि 57 धावांचं आव्हान, सॉरी 52 धावांचं आव्हान
मैन फ्रॉम कश्मीर अशोक हिरोडे वंस अगेन ऑन स्ट्राइक, बहुत ही बढ़िया स्ट्राइक रन रेट हिट के गेट में कश्मीर को रिप्रेजेंट करते हैं। फील्डिंग फील्डिंग प्लीज अविनाश लोंडे फील्डिंग के लिए प्लीज लगा लीजिए, बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे लिए। So 30 balls, 52 runs to win. Sangaish and Swastik. इन दोनों टीमों के बीच में ये मैच होता हुआ और रजनीश ओपनिंग पे, सोलेमन एंड अशोक हिरोडे। अगर ये जोड़ी अविनाश लोंडे को जल्द से जल्द मिल गई तो मुझे लगता है ये मैच पूरा ओपन हो जाएगा और कुछ बचेगा नहीं मैच में। तो देखना है 52 रन कैसे डिफेंड करते हैं अविनाश लोंडे की टीम या फिर 52 रन कैसे बनाती है अभी अशोक हिरोडे की टीम। तो बहुत ही ज्यादा जिम्मेदारी होगी इन दोनों बल्लेबाजों पे, इन दोनों बैट्समैनों पे कि इस स्कोर को कैसे ऊपर लेके जाए, बिकॉज 52 रन लास्ट के दो ओवर में बहुत ही बढ़िया स्कोर मारा है। जी जैसे कि आपने बताया कि अगर ये दो विकेट अगर मिल गई बॉलिंग टीम अविनाश लोंडे की टीम को तो मैच यहाँ से ओपन हो जाएगा। लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूँ अगर ये दोनों तीन ओवर अगर खेल गए तो ये मैच जो बैटिंग की टीम है वो वन साइड जीत रही है। दोनों भी काशी मीरा जो एक पट्टा बोलते काशी मीरा का, बहुत अच्छे प्लेयर है दोनों भी और जो रन है बहुत ही फास्ट बनाते, बहुत ही फ्लो में रन बनाते। और एक बार जब अशोक के या फिर सोलेमन के जब बैट पे बॉल लगना चालू हो जाती है तो गैप ऑटोमेटिकली उन्हें मिल जाती है। तो तीन या चार ओवर में ये मैच अगर ये दोनों रुक गए तो तीन या चार ओवर में ये मैच मुझे खत्म होती हुई दिख रही है। राइट, बैटिंग स्विंग बैट का जो स्विंग है दोनों का बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फास्ट खेलने के लिए खेलते हैं। अशोक हिरोडे फेमस है कैलकुलेशन माइंड से खेलने के लिए, जबकि सोलेमन अपने ऑफसाइड ड्राइव के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है इंटर क्रिकेट में। तो देखना है अभी दोनों बल्लेबाज कैसे बैटिंग करते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत ही ज्यादा प्रेशर होगा दोनों टीमों पे, अविनाश लोंडे पे सबसे ज्यादा प्रेशर होगा बिकॉज आइकॉन प्लेयर है और 52 रन डिफेंड करना है। तो देखना है पहला मैच दोनों टीम के लिए। फॉलो करूं क्या जी? तो जैसे कि आपने बताया अविनाश लोंडे हैं बॉलिंग पे, बैटिंग करेंगे सोलेमन, नॉन स्ट्राइक बनेंगे अशोक हिरोडे और कैप्टन खुद बॉलिंग करने आ रहा है। मतलब जितने भी जो व्यूवर्स है वो समझ सकते हैं कि बहुत अच्छी जोड़ी बैटिंग। जैसे कि आपने बताया कि ऑफ में जो कवर ड्राइव जो खेलते हैं, पॉइंट पे जो शॉट खेलते, जो बैकवर्ड से आके कट मारते, बहुत ही अच्छा कट मारते, एक बहुत ही अच्छा एक रन निकाला उन्होंने। इसी के साथ स्ट्राइक पे आए हैं अशोक हिरोडे, देखना है दूसरी बॉल पे क्या कर पाते अशोक हिरोडे अपनी टीम के लिए। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है जितना मैं जानता हूँ, मैंने कहा था ऑफ साइड में ड्राइव किया कुंदन, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग यहाँ पे। मैं आपको बताना चाहूंगा कुंदन सीजन क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेट करके वो भी खेलते हैं, एक सेंसिबल माइंड, एक बैलेंस माइंड है कुंदन का और उन्होंने पहले ही देख लिया फुल टॉस बॉल है मेरी तरफ आएगी बॉल और एक अच्छा स्टॉप किया। वाइड बॉल का इशारा यहाँ पे अंपायर का, इसी के साथ स्कोर बढ़कर हुआ है 3 रन। सोलेमन तीसरी बॉल फेस करेंगे अविनाश लोंडे की, देखना है क्या कर पाते तीसरी बॉल पे। फिर एक बार रूम दिखे खेलने की कोशिश की, एक बहुत ही अच्छा कवर ड्राइव यहाँ पे मारा है लेकिन बहुत अच्छा जज किया यहाँ पे मंगेश लहाने ने, बहुत अच्छा जज किया यहाँ पे। इसी के साथ स्कोर बढ़कर हुआ 3 बॉल 4 रन। बैटिंग पे आए हैं कैप्टन, कैप्टन वर्सेस कैप्टन, देखना क्या होता है, एक कैप्टन दूसरे कैप्टन का विकेट लेता है या फिर दूसरा कैप्टन, ये जो जैसे मैं बता रहा था कि दूसरा कैप्टन क्या कर पाता है तो दूसरे कैप्टन ने बता दिया कि आपको बता रहा बढ़कर हुआ 8 रन। एक बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे देखने मिल रहा हमें। बैटिंग फिर एक बार कैप्टन टू कैप्टन और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक, अगर ये बॉल घूमी नहीं होती तो सीधा मिडल स्टंप उड़ती थी। अंपायर का इशारा देखना है ये डेड बॉल है या एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पे देखने मिल रहा है हमें। अंपायर का इशारा देखना नहीं है, हमारे जो कैप्टन है अशोक हिरोडे उन्होंने सीधा बोला नहीं ये रन नहीं है और एक अच्छी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट यहाँ पे देखने मिल रही है हमें। और ये ओवर की आखिरी बॉल लेके आएंगे अविनाश लोंडे, कैप्टन बॉलिंग करेंगे एक कैप्टन को जो कि बैटिंग कर रहे हैं अविनाश टू अशोक हिरोडे।
एक चौका ऑलरेडी मारा अशोक ने अविनाश को, देखना ये बॉल पे आखिरी बॉल पे क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। और यहाँ पे ये कैच ड्रॉप हुआ है लग रहा मुझे, ओवर हो गई लेकिन कैच ड्रॉप हुआ है, काफी निराश। और एक बहुत ही बड़ा कैच छूटा है, देखना वो जो कैच छूटा है उसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं अशोक हिरोडा अपनी टीम के लिए। दोनों ही बैट्समैन बहुत ही डेंजर बैट्समैन, दोनों ही बैट्समैन काशी मीरा काशी गांव के एक टॉप क्लास के बैट्समैन है। और सोलेमोन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ओवर रन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, अंडर रन भी बहुत अच्छा खेलते हैं, 1-4 वाला भी बहुत अच्छा खेलते हैं, सर्कल बॉक्स भी बहुत अच्छा खेलते हैं। देखना है आज अपनी टीम के लिए क्या कर पाते हैं। हाल ही में एक टूर्नामेंट हुआ था वहाँ पे मैन ऑफ द सीरीज लेके गए थे मेरे नॉलेज के हिसाब से सोलेमोन, देखना आज यहाँ पे अपनी टीम के लिए क्या कर पाते सोलेमोन। दूसरी ओवर लेके आएंगे मानव, मानव टू सोलेमोन। सोलेमोन फर्स्ट बॉल, मानव टू सोलेमोन। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे, हर बॉल यहाँ पे मैंने रखते हैं रजनीश, हर बॉल पे रन लेना चाहिए, हर बॉल पे डॉट होना चाहिए। देखना है कौन सी टीम, मैंने कहा था कि ये लो स्कोरिंग मैच होगा 52 रन, बट बहुत ही ज्यादा रन डिफेंड किए दो ओवर में लास्ट के। देखना है जी, मैं हमारे जो कमेंटेटर उन्हें मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि उन्होंने बोला 70+ स्कोर होगा, लेकिन 70+ स्कोर नहीं हुआ। और हमारे जो कमेंटेटर सरेआम झूठ बोलते हुए, हमारे कमेंटेटर देखना है यहाँ पे जो ये जो बैटिंग जो कर रहे दोनों जोड़ी अशोक हिरोडी की और सोलेमोन की जो जोड़ी है कहाँ तक जा पाती है। जैसे कि आपने देखा पहली बॉल जो सोलेमोन आगे बढ़े हेलीकॉप्टर घूमी थी, पूरी तरह से हेलीकॉप्टर घूमी, लेकिन बैट पे बॉल लगी नहीं, अगर वो बैट पे लगती तो शायद 4 रन मिलता। बैक टू बैक टू बॉल्स डॉट हो चुके हैं यहाँ पे। तो दोनों ही टीम के जो ओनर्स हैं उनके भी नाम में जितने जो व्यूअर्स हमें देखना देख रहे हैं मैं बताना चाहूंगा, जो बैटिंग टीम है उनके ओनर है अनिल भोसले और जो बॉलिंग टीम है उनके ओनर है सचिन महात्रे। तो दोनों ही पॉलिटिक्स में बहुत ही ज्यादा दिग्गज है। तो एक टीम में है अशोक हिरोडे, वो भी बहुत ज्यादा दिग्गज है, और एक टीम में अविनाश लॉन्डे। तो ये जो बैटल जो हो रहा है ये अनिल भोसले वर्सेस सचिन महात्रे हो रहा है, जो बैटल है देखना है ये मैच कौन जीतता है, अनिल भोसले जी की टीम जीतती है या सचिन महात्रे जी की टीम जीतती है। फिर एक बार बॉलिंग पे मानव बॉल लेके बॉलिंग करेंगे अशोक को, रिवर्स खेलने की कोशिश सफल हुई, उतनी अच्छी फील्डिंग मिला ठीक रन। चार बॉल 10 रन और कुंदन यहां से बराबर लगा फील्डिंग, कुंदन की आवाज शायद वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, बराबर फील्डिंग लगाने के लिए बोल रहे हैं कुंदन, और मैं देख सकता हूं यहां से साहिल वहां से फील्डिंग लगा रहे, कुंदन यहां से फील्डिंग लगा रहे। अब देखना है कि वहां वाली फील्डिंग और यहां वाली फील्डिंग में क्या मैच होता है। सोलेमोन बैटिंग करेंगे, फिर एक बार चढ़ के खेलने की कोशिश की पूरी तरह सफल हुए लेकिन सीधा प्लेयर के हाथ में बॉल गई, मिला एक रन, ये एक एक रन से स्कोर बढ़कर हुआ है 11 रन, और ये एक एक रन से कुछ होने वाला नहीं है, 4 या 6 की बहुत ही ज्यादा जरूरत है यहाँ पे। और काफी अच्छी बॉलिंग करते हुए यहाँ पे मानव, बैटिंग भी उतनी अच्छी किया मानव ने, बॉलिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं मानव, अपनी टीम को जीत की ओर धीरे धीरे लेके जा रही। कैप्टन तो है अविनाश लॉन्डे लेकिन मैं ये देख सकता हूँ 100% नहीं 1000% साहिल अपना डालते हुए यहाँ पे। मैंने कहा था रजनीश की बहुत ही क्रूशियल मोमेंट होगा जब ये मैच एक जगह पे आके रुकेगा, और दोनों बैट्समैनों को अभी तक एक भी एक बाउंड्री सिर्फ गई है, रुका दिया है, और टर्निंग पॉइंट ये ओवर होगा मानव का, और
मुझे लग रहा है कि सेकेंड ओवर भी मानव ही डालेंगे। पांच ओवर में जो दो बॉलर्स एक बॉलर दो ओवर डालता है तो मुझे लगता है मानव सेकेंड ओवर डालेंगे। अविनाश खुद रुकेंगे, देखिए बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाली अभी तक और सिर्फ 12 रन चुके हैं बॉल टू बॉल रन और सिर्फ 4 रन की ओवर डाली है। बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करते हुए यहाँ पे और 52 रन यहाँ पे डिफेंड करना है और यहाँ पे सचिन माथुर जी की टीम बहुत ही अच्छा लीड लेते हुए। हर मैच हर ओवर के बाद प्लीज मीटिंग मत कीजिए, हमारे जो अंपायर्स हैं वो आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये मीटिंग्स बहुत कम करें प्लीज, जल्द से जल्द मैच चालू करें। दो प्ले सफल करना है तो थैंक यू। मैं आपको बताना चाहता हूँ इतनी ज्यादा मीटिंग करके मतलब यही होगा कि ये बॉलर बॉलिंग करे तो इतनी ज्यादा मीटिंग आपके हिसाब से क्यों हो रही है? मुझे लगता है कि मैच के पहले भी ये लोगों ने डिसाइड किया होगा कि आपको तीसरा ओवर करना है, वहाँ पे भी आपने डिसाइड किया होगा तो यहाँ पे आगे कुछ चेंज नहीं हुआ है। ऑलरेडी आप प्लस में चल रहे हो, 12 बॉल में आपने 12 रन दे दिए, सफल होने के लिए भी इतना टाइम नहीं लगता है मुझे लगता है बिकॉज बहुत ही कम टाइम बचा है हमारे पास, 10 बज चुके, सिर्फ तीसरा मैच चालू है जबकि और 3 मैच खेलने बाकी हैं। तो देखने अवैध सेकंड ओवर डाल रहे हैं, बहुत ही शॉकिंग है मेरे लिए बिकॉज आप बहुत ही ज्यादा मिले, बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि मानव ने वन साइड ओवर डाला था दोनों ही बैट्समैन को। आशिक ने बहुत कोशिश किया था, अशोक हिरोडे ने बहुत कोशिश किया था लेग में स्वीप खेलना रिवर्स खेलना लेकिन सफलता नहीं मिली थी। तो मेरे हिसाब से सेकंड ओवर जो है वो मानव से डलवाना चाहिए था लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये ओवर में स्कोर थोड़ा और दबा के जो भी प्लेयर्स हैं जो बॉलर्स हैं उनको और मौका दिया जाएगा चौथा या पांचवा ओवर डालने। मुझे लग रहा है कि ये उन्होंने ओवर लिया है स्कोर दबाने के लिए नहीं उनका ओवर निकालने के लिए क्योंकि उनको पता है कि तीसरा ओवर अगर निकल गया कोई फ्रेश बॉलर से तो ये दोनों बैट्समैन उसको मार देंगे इसलिए उन्होंने 6 बॉल के लिए ओवर निकाल दिया है। देखना है अगर ये कम बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पे ऑफसाइड में ड्राइव किया अशोक हेरोडे। अशोक हेरोडे अपना नेचुरल गेम नहीं खेल रहे जबकि वो बहुत ही खूंखार बल्लेबाजी के लिए प्रसिद्ध है हमारे इंटर पट्टे में। कुंदन का जो जोश है वो मैं देख रहा हूँ। ओवरऑल जो क्रिकेट जब हम खेलते हैं एक बहुत अच्छा शॉट और यहाँ पे मिलेगा सिर्फ अंपायर का इशारा सिर्फ एक रन मिलेगा अंपायर का इशारा और कुंदन बोल बोल कर थक गए। भाई चेयर अप करो सारे मिलकर थोड़े थोड़े कुछ ना कुछ बोलो लेकिन कोई सपोर्ट ही नहीं करा कुंदन को। जितना बोलोगे उतना बैट्समैन प्रेशर में आएगा ऐसा कुंदन का मानना है। देखते हैं सोलेमन प्रेशर में आते हैं या नहीं आते उनके बोलने से। फिर एक बार सोलेमन फेस करेंगे अविनाश लॉन्डे को। हो जाएगा देखना है क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। आगे आए फुल टॉस बॉल डाली बहुत ही अच्छी बॉलिंग यहाँ पे ये तीसरा और बहुत ही मायने रखता है रजनीश बिकॉज 52 रन यहाँ पे चेस करने हैं आपको। और यहाँ पे बहुत ही बड़ी विकेट बहुत ही अलग तरीके से आज खेल रहे थे अलग तरीके से बैटिंग कर रहे थे और कैप्टन्स यहाँ पे आउट होते हुए जबकि जीतती है सचिन माथुरी जी की टीम। महीना चलाएंगे तो शायद बढ़ जाएगी और इनक्रेडिबल यहाँ पे ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाते हुए माना और यहाँ पे बहुत अच्छी कोशिश की यहाँ पे कुंदन की लेकिन रुपेश बहुत ही घूकर बल्लेबाज और जरूरत है ऐसे टाइम पे बिकॉज मैच रुक गया था एक जगह पे स्कोर हुआ गया पे 19 रन लॉस ऑफ 1 विकेट। मैच अभी भी बहुत ही पीछे चल रहा है 10 की एवरेज से रन बनाने पड़ेंगे। 13 बॉल में 23 रन 33 रन सॉरी 13 बॉल 33 व्हाट अ मैच गाइस बहुत ही लंबा मैच आता है। 12 बॉल में अगर ये बॉल डॉट होती है तो मुझे लगता है डिफिकल्ट हो जाएगा 80% जी। बहुत इंटरेस्टिंग मैच और रूपेश लहानी के बारे में मैं बताना चाहूंगा बहुत ही अच्छा टर्फ क्रिकेट खेलते हैं जैसे कि मैंने बोला आपको बहुत ही अच्छी बैटिंग लाइनअप है और ये अंपायर का डिसीजन यस ये आउट है क्लियर आउट है अंपायर से आर्ग्यूमेंट ना हो ये आउट है क्योंकि यहाँ से जब मैंने देखा वो बैट उन्होंने जो
लाइन थी वो लाइन को टच नहीं किया, वैसे ही निकल गए। उनको लगा कि मैं जाके वहां से बातचीत करूंगा, लेकिन अंपायर का जो हमारे जो छेदी का जो ध्यान है, एक एक सबका में दो आंख होते। बॉल 32 रन, मुझे लगता है सोलेमन को अभी ये मैच यहाँ से उठाना पड़ेगा और बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ पे, बट सोलेमन के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज जिस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं अपने एरिया में फेमस है। राजन आया है, बहुत ही अच्छा इंटर क्रिकेट में उन्होंने स्टार्ट लिया है, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग डाल रहा है इंटर क्रिकेट में उनकी, बिकॉज ऑफ बॉलिंग राउंडर और उनकी तरह उनकी वजह से जावेद ने टूर्नामेंट जीता भी है। बॉलिंग की दम पर देखना है, अभी बहुत ही डिफिकल्ट है यहाँ पे अशोक खेरोड़ी जी की टीम को आगे आना, बट देखना है, मानो तो वन मैन शो करते हैं क्या सोलेमन। बहुत खराब, एक बॉल के बाद कैप निकाल के छेदी के हाथ में रख दिए। जो हिसाब से उन्होंने कैप निकाल के रखा वाइट बॉल कर, इसके बारे में बाद में अगर नो बॉल या वाइट बॉल गई तो मेरे हिसाब से टी शर्ट बाहर आ रही है, उसके हिसाब से क्या बाहर आ रही है। मुझे भी लग रहा है कि टी शर्ट निकाल के छेदी के हाथ में दे देंगे, नेक्स्ट बॉल में देखना है। नहीं, जरूरत नहीं है बाउंड्री, ये तो बात ऐसी होगी कि भाई टेंशन मत लो। साहिल निराश है क्योंकि अकेले खड़े कैमरामैन से जो मेरी रिक्वेस्ट है, साहिल का थोड़ा फोकस किया जाए क्योंकि वो वहां से पॉइंट से राइट हैंड बैट्समैन के पॉइंट से भाग के यहाँ पे लेफ्टी के कवर्स पे आ गए, ये देखने के लिए कि वो प्लेयर था कौन, क्योंकि उसके बाद में जो भी हिसाब किताब होता है मैच के बाद में होता है। अगर गलती से भी ये बाउंड्री की वजह से कुछ हुआ तो साहिल मुझे लगता है तांडव करेंगे मैच के बाद, देखना है। बहुत ही बढ़िया राजन, पहली बॉल वाइड डाली थी, दूसरे बॉल में बाउंड्री आ गई है। 11 बॉल 27 रन, लेग साइड में बहुत ही अच्छी तरीके से फ्लिक किया था। 42 मिनट्स हो चुका है यहाँ पे इस मैच को, बहुत ही लेट चल रहे हम लोग। प्लीज दिलीप छेदी और अंपायर, एक भी टाइम पास ना हो जाए हर ओवर के बाद। सोलेमन वन सेकेंड ऑन स्ट्राइक, राजन व्हाट अ शॉट, बहुत ही बढ़िया शॉट यहाँ पर बाउंड्री। ये शॉट जो है मैं ओवर और जो कृष्णा साथ होते हैं मारते हैं वो सीधा आसमान। बहुत अच्छा शॉट मारा और इसी के साथ जो स्कोर है वो बढ़कर हुआ है 30 रन। नाइन बॉल 22 रन रिमेनिंग, और मैं जितने जो दर्शक है सबको बताना चाहता हूँ यहाँ पे हमारे बीच फिटिंग आ चुके हैं, फिटिंग भाई बहुत तावड़े के नाम से अभी बहुत ही ज्यादा फेमस है और अभी हाल ही में टूर्नामेंट रखा था फिटिंग में और बहुत ही सक्सेसफुल किया था टूर्नामेंट को। तो फिटिंग आपको क्या लग रहा है ये दोनों टीम में से कौन सी टीम जीतने वाली? जब तक सोलोमन अवेलेबल है क्रीज पे मुझे लगता है कि चांस है वो लोग के जीतने के सोलोमन के टीम में। वो पूरा मैच है वो सोलोमन के इर्द गिर्द घूम रहा है, सोलोमन को ये बात पे ध्यान देना है, मैं आउट तो मैच खत्म, देखना है जो फिटिंग है उन बात में कितना दम है, सोलोमन ये मैच जीताते हैं या सोलोमन। अगर सोलोमन ये मैच जीता
चार रन का इशारा। अगर सोलेमान ने मैच अगर जीता सात बॉल 17 रन 7 बॉल 17 रन नीडेड। कुंदन स्ट्रेट में रहे, लेग में रहे, ऑफ में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन देखो सिर्फ ग्राउंड पे सिर्फ एक प्लेयर की आवाज आ रही है कुंदन की, और जितने भी जो दर्शक अभी ये जो मैच देख रहे हैं पर्दा छोड़ के खड़े हो जाए। मेरे एक बार दो बॉल का इशारा, लेकिन रन आउट सॉरी स्टंप भी हो सकते थे सागर। ग्राउंड पे मुझे सिर्फ दो लोग आ रही, एक साहिल की और एक कुंदन की, जबकि कैप्टन अविनाश लोंडे 36 स्कोर हो गया 36। नो बॉल का इशारा हुआ तो 36 हुआ स्कोर, तो दो ही लोगों की आवाज आ रही है, तो ये स्ट्रेटेजी तो नहीं है कि अविनाश ने पहले ही बोल दिया 12 मीटिंग में यही बोल रहे कि तुम दोनों आवाज करना ना नहीं करूंगा। क्या बोलना चाहते, स्ट्रेटेजी लग रही है आपको? स्ट्रेटेजी तो बिल्कुल नहीं लग रही, बिकॉज यहाँ पे जहाँ से मुझे अविनाश की टीम है जो बैकफुट पे जाते हुए देख रही है, बिकॉज जिस तरीके से राजन बॉलिंग कर रहे हैं इस ओवर में पूरी तरह से गेम चेंज हो गया है। सोलेमान फ्रंट पैक खेल रहे हैं, सागर फ्रंट पैक खेल रहे हैं, और मैच पूरी तरह से बदल गया है, रुख बदल गया मैच का। जी मैच तो बदल रहा है, और एक बहुत ही कांटे का मुकाबला होगा, स्टार्टिंग में हमने बताया था ये, और वैसा ही हो रहा है, एक कांटे का मुकाबला होगा। फिर एक बार मीटिंग चालू हो गई है। अविनाश पिंक कैप पहने हुए, पर्पल कैप पहनते हुए मैंने लोगों को देखा, लेकिन अविनाश लोंडे यहाँ पे पिंक कैप पहने हुए, देखना वो पिंक कैप कितना साथ देती है अविनाश लोंडे की, और जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करें। मुझे लग रहा है इस मैच का टर्निंग पॉइंट है अविनाश लोंडे ने, वो ओवर डालना नहीं चाहिए था। अविनाश लोंडे ने अगर वो डाला नहीं होता तो मानव एक ओवर करते थे, और मानव मुझे नहीं लगता कि 6 से ज्यादा रन देते थे, तो मुझे लग रहा है टर्निंग पॉइंट है 6 बॉल 14 रन। और कैमरामैन यहाँ कैमरा घुमाए, मैं हमारे बीच आमिर बहुत अच्छी बॉलिंग करते हैं, ओवर सीजन क्रिकेट में 300 की स्पीड में डालते आमिर, क्या लग रहा है आमिर ये मैच कौन जीता सकता है? जैसे फिटिंग ने बोला सोलेमान जीता है, आपको क्या लग रहा है कौन जीता सकता है? नीरज सोलेमान कौन जीता सकता है मैच? नीरज ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल बोल सकता हूँ मैच, ये प्रेडिक्ट करने लायक नहीं है। नीरज ही क्यों लगा आपको? क्योंकि सोलेमान जो है वो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे प्लेयर है, कैलकुलेट करके खेलते हैं, और काफी मैचेस ऐसे उन्होंने जीता है। नीरज ही क्यों आपके हिसाब से? स्ट्राइक पे जाएंगे तो आपका जो डिसीजन है चेंज हो जाएगा, डिसीजन चेंज करने की बात ही नहीं, बॉलर ही खुद चेंज हो गए अभी। तो ये जो प्रेडिक्शन थी, ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से फ्लॉप होती हुई, और नेक्स्ट प्रेडिक्शन हम जितने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनसे लेंगे। और दिलीप छेदी वहां से बोल रहे हैं बैटिंग वाले जीतेंगे, बैटिंग वाले। दिलीप छेदी भूल गए कि वो अंपायर हैं इस मैच में, मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा। बहुत ही बढ़िया मैच हो रहा है यहाँ पे, दोनों भी मैच रजनीश दोनों भी मैच लास्ट बॉल तक गए हैं, मुझे देखना ये मैच लास्ट बॉल तक जाता है नहीं। वसीम किक डाल रहे पहले वो, और यहाँ पे वाइट बॉल, जबकि अविनाश लोंडे कीपर थे, मुझे लगता है अगर अविनाश लोंडे नहीं होते तो ये बाउंड्री हो जाती। 6 बॉल 12 रन, मैच आपके हाथ में है, मुझे लग रहा है जरूर कोशिश करना चाहेगी बैटिंग वाली टीम यहाँ से 6 से 12। बहुत ही अच्छा बॉलिंग, 5 बॉल 12 बॉलिंग बाय वसीम। थैंक यू डीजे। और यहाँ पे हमारे बीच यूथ कंपनी के करता धरता और वैभव बहुत ही क्लोजली मैच देखते हैं। वैभव क्या लग रहा है ये मैच कौन जीतेगा? मैच फिलहाल वन साइड हो चुका है, अगर सोलेमान है तो वन साइड मैच जीत जाएंगे। साहिल क्या साहिल देखेगा?
साहिल लेग साइड में खड़े हैं, मुझे साहिल गिल के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? दो ग्राउंड पे ना मेरे को सिर्फ दो लोगों की आवाज आ रही है, साहिल की और एक कुंदन की। क्या बोलना चाहेंगे साहिल के बारे में आप? अभी देख रहे हैं आप बॉलिंग करने बॉलर इधर आ रहा है लेकिन वो वहाँ पे आगे आ रहे, मतलब क्या ये स्ट्रेटेजी क्या लग रही है आपकी? ये साहिल मतलब बैट्समैन को कंफ्यूज करने के चक्कर में है, मेरी आवाज ज्यादा आएगा वो शायद बैट्समैन उससे परेशान हो, होगा नहीं ऐसा बट फिर भी जी बैट्समैन परेशान हो, आगे बढ़ के खेलने कोशिश थी और एक विकेट। इसी के साथ वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इसी के साथ मैच फिर एक बार अविनाश लौंडे की टीम आती है और यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे झगड़ा कर रहे हैं यहाँ पे गुलाब को, बच्चे वो सोलेमन जीतेगा, बच्चे बोल रहे हैं आशिक अशोक जिरोडी की टीम, अनिल भोसले की टीम जीत रही है या अविनाश लौंडे सचिन महात्री की टीम ये मैच जीत रही है? और आप लोग देख सकते हो जैसे कुंदन, जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ दो प्लेयर की मुझे आवाज आ रही है, कुंदन फील्डिंग लगाते हुए, जब फील्डिंग कुंदन लगा रहे प्लेयर को मोटिवेट कुंदन कर रहे और यहाँ पे चालू किया जाए, मैच चालू किया जाए। चार बॉल 12 रन मुझे लग रहा है, बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया मैच। और यहाँ पे चेक करते हुए यहाँ पे जो वसीम है, फर्स्ट चेक लास्ट चेक, और बैठक शॉट करने की कोशिश थी और पूरी तरह से बीट हुए, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। तो जैसे कि मैं बता रहा था लेफ्ट हैंड बैट्समैन के जो पॉइंट पे हैं साहिल वो वहां से आवाज कर रहे हैं, वो वहां से अपनी टीम को चेयरअप कर रहे हैं, कुंदन यहां से फील्डिंग लगा रहे हैं चेयरअप कर रहे हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है अविनाश लौंडे को कैप्टन क्यों बनाया गया है। अविनाश लौंडे कुछ कर ही नहीं रहा अपनी टीम के लिए, अविनाश लौंडे वहां पे पीछे खड़े हुए सारी चीजें ये दो प्लेयर कर रहे हैं, कौन? साहिल और कुंदन। देखना ये जो दो प्लेयर है ये जो फील्डिंग लगा है जो चेयरअप कर अपनी टीम के लिए कितना कारीगर साबित होता है। ये मुझे अभी लग रहा है स्ट्रेटजी है कि उनको एक डमी खड़ा किया गया है और ये दोनों पूरा गेम चला रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया और मैच जीत भी रहे हैं मोस्टली। चार बॉल में 12 रन आ चुके वसीम वर्सेस सुलेमान, वन सेकंड के देखना है और छह रन का इशारा। जैसे कि मैं बता रहा था सुलेमान मैच डिसाइड करेंगे कहां जा रहा है, ये बॉल पे बहुत ही जोरदार प्रहार। डेरिंग इस टाइम पे कोई नहीं कर सकता जो कि सोलेमन ने किए, स्ट्रेट ड्राइव सचिन तेंदुलकर मार देते और ये अभी का स्ट्रेट ड्राइव सोलेमन ने मारा है, 3 बॉल 5 रन रॉन्ग पे खड़े करने वाला शॉट था, रॉन्ग पे खड़े करने शॉट था, कितना 3 बॉल 5 रन 3 बॉल 5 रन नीडेड। वसीम बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पे, स्ट्राइक पे सोलेमन, नॉन स्ट्राइक पे सोनू, देखना है क्या कर पाते हैं यहाँ पे। जल्दी जल्दी मैच स्टार्ट करें, बहुत ही क्रूशल मैच, देखना है कौन जीतता है, अनिल भोसले जी वर्सेस सचिन मात्रे जी, ये मैच कौन जीतता है, अशोक हिरोडे जी वर्सेस अविनाश लौंडे, स्ट्राइक पे सोलेमन, देखते हैं क्या होता है ये मैच का जो रिजल्ट है क्या होता है। वसीम बॉलिंग करेंगे, बैटिंग करेंगे सोलेमन, और यहाँ पे बैटिंग शॉट की कोशिश पूरी तरह से बीट हुआ लेकिन वाइड बॉल का इशारा, और ये मैच कहीं ना कहीं जैसे मैंने बताया सोलेमन डिसाइड करेंगे ये मैच जिताना है या हराना है, और बहुत ही अच्छे से सेंसेबल क्रिकेट खेलते हुए बैटिंग शॉट खेलने की कोशिश थी, फिर एक बार बैटिंग शॉट खेलने की कोशिश, कहीं ना कहीं जो बॉलर है वो बैकफुट पे आ चुके हैं, बॉलर को पता है रेंज में आएगी तो 4 रन जाएगी लेकिन कहीं ना कहीं रिस्क लेना पड़ेगा, रेंज में डालना पड़ेगा, विकेट मिलेगा तो मैच मिलेगी आपको, देखना वसीम आप टीम के लिए क्या कर पाते। फिर एक बार चढ़ के खेला और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन शॉट, और यहाँ पे एक इशारा किया सोलेमन ने और सोलेमन ने अपनी टीम को यहाँ पे जिताया है, और इसी के साथ अनिल भोसले जी की टीम ये मैच बहुत ही
कंफर्टेबली यहाँ पे ये मैच जीतती हुई और बहुत अच्छी बॉलिंग किया था यहाँ पे पालिया ने। पालिया हमारे बीच यहाँ पे आ चुके। पालिया जो आपने बॉलिंग किया था वो बॉलिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे जो व्यूअर्स लाइव देख रहे। पालिया बहुत ही शर्मा गए, लेकिन यहाँ पे हमारे साथ में छेदी आए हैं, दिलीप छेदी हमारे बीच में। आपको क्या लग रहा है ये मैच कहाँ जा रहा था? आपने जैसे बताया था बैटिंग टीम जीत रही है, बहुत ही सॉलिड प्रेडिक्शन था। आपको पता था कहीं ना कहीं सोलह मन अगर रुक गए लास्ट तक तो ये मैच जीत जाएंगे। वहाँ मैच खत्म हो गया। तो आपके हिसाब से आव्या को एक अच्छा नाम क्या दिया जाए? आव्या को ये मैच का मुजरिम बोलते हैं वो दिया जाए? आव्या ने थर्ड ओवर लेके आना नहीं चाहिए था, लास्ट ओवर के लिए उसको रुकाना चाहिए था। लास्ट बॉलर ने तो काय के लिए दिमाग लगाने का, ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में यही होता है, ज्यादा दिमाग लगाने के चक्कर में यही होता है। और यहाँ पे जो सचिन मात्रे जी की टीम है वो हार गई है। और ये जो मैच है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच है। एक तरफ है सचिन मात्री जी की टीम, एक तरफ है जोशना हसनाली जी की टीम। और जल्द से जल्द मैच स्टार्ट किया जाए। मैन ऑफ द मैच जो अवार्ड है, द मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू ये काले लाऊं मानो करो दावी।